ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। नाना पाटेकर, जो कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में शामिल हैं, वो वाराणसी की गलियों में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी एक फैन पर उन्होंने कुछ यूं प्यार लुटाया कि वो फैन भी हैरत में पड़ गया। उन्होंने फैन को थप्पड़ जड़ दिए। पता है क्यों? क्योंकि उस फैन ने नाना के साथ सेल्फी लेनी चाहिए। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की खूब किरकिरी हुई। बाद में उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन अब इस मामले में एक पूर्व आईएएस अधिकारी और फिल्मों में हाथ आजमा रहे अभिषेक सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, या यूं कहें कि उन्होंने नाना को खुलेआम धमकी दे डाली। पहले आप नाना के खिलाफ अभिषेक का धमकी भरा बयान सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि कई मीडिया चैनल्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि मैंने नाना पाटेकर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जब आप उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने आते हैं तो हमारी सरकार आपको सब्सिडी देती है, हमारे लोग आपको सम्मान देते हैं, हम अतिथि देवो भव की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, और बदले में आप हमें प्यार के बजाय थप्पड़ मारें तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर देना बहुत अच्छे से आता है। हमारा सब कुछ उत्तम है, हमारा सम्मान उत्तम है, हमारा स्वागत उत्तम है, और हमारी पिटाई भी उत्तम ही है। तो अगली बार जब आप आएँ तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके साथ यूपी ना हो जाए, अर्थात उत्तम पिटाई। और जितने भी भविष्य में नाना जी लोग आने वाले हैं, मेरी उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आए उत्तम चरित्र के साथ आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका इतना स्वैग से स्वागत हो जाए कि जब आप घर वापस जाएं तो नानी जी लोग आपको पहचान ही ना पाए। बाकी आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। सुना आपने, ये एक एक्स आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और इस तरीके की धमकी अभिनेता को देते नजर आ रहे हैं। अभिषेक सिंह की धमकी को सुनकर तो मन में सवाल यही उठता है कि फिल्मों में काम करने के बाद शायद वो सिविल सर्विसेज के दौरान कानून की रखवाली करने वाली बातों को भूल ही गए हैं। वो ये भूल चुके हैं कि उनका काम एक समय कानून की रक्षा करना रहा है, बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के बजाय। अब शायद ये माननीय फिल्मी दुनिया के चकाचौंध देखकर और इस तरह के बयानबाजी करके खुद को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर फिल्मों में किस्मत चमकाने निकले इन माननीय के बयान से कानून की रक्षा तो कहीं से भी नहीं होती दिखी। उल्टे शायद वो अपने गुस्से के चलते और लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों वाराणसी में फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के एक फैन को थप्पड़ जड़ने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद नाना ने एक वीडियो जारी कर लोगों को बताया कि एक सीन का हिस्सा था। उन्हें पता था कि उस सीन में उनके क्रू का मेंबर नहीं बल्कि कोई फैन था, इसलिए उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मेरे किसी बच्चे को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है, हमने एक रिहर्सल कर दी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ और मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेश आओ, ये तरीका नहीं है, और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला। लेकिन यहाँ सवाल एक बार फिर ये उठता है कि जिस फैन को नाना ने थप्पड़ मारा, उसने मीडिया से कहा कि उसकी बेइज्जती हुई और उसे जानबूझकर थप्पड़ मारा गया। अब कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसमें ये मामला उलझ कर रह गया है। इस बीच अब एक्स आईएएस अधिकारी के इस धमकी भरे वीडियो ने मामले को एक बार फिर से गर्मा दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।